महाराज जी, कई बार हम लोग हंसी मजाक में किसी को वचन दे देते हैं, उसके बाद क्रोध में जो जवाब नहीं देना होता है वो दे देते हैं, और दुख के समय में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमको नहीं लेने होते हैं। तो महाराज श्री, ऐसी कंडीशन में जो हम लोग करते हैं जिसका हमें भी पता नहीं चलता है, तो ऐसे में हमारा जीवन जो है वो उथल पुथल हो जाता है। साथ ही महाराज श्री, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देता है, उसके साथ छल कपट करता है, तो ऐसे में उसके साथ जैसे को तैसे वाला व्यवहार किया जाए या फिर उसे भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए? दो सवाल है तुम्हारे। पहला सवाल, हंसी मजाक में दिए गए वचन, क्रोध के आवेग में दिए गए वचन और दुख की घड़ी में लिए गए निर्णय। देखिए, प्रायः ऐसे निर्णय अच्छे नहीं होते। व्यक्ति को जब अधिक क्रोध आ रहा हो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, अधिक खुशी हो तो निर्णय नहीं लेना चाहिए, अधिक दुख हो तो निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जिस समय हमारा मन किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसी घड़ी में निर्णय लिए गए निर्णय या दिए गए वचन प्रायः गलत होते हैं। तो आपने अगर ऐसी घड़ी में कोई वचन लिया है तो गलती तो होनी है, बाद में आपको पछतावा होता है कि हमने निर्णय तो ले लिया, क्या करें। तो वचन लेने या देने से पूर्ण ध्यान रखो, और कमिटमेंट ये कहता है कि भले हम हंसी में कोई वचन दिए हैं हमें निभाना चाहिए, बशर्ते वो वचन मर्यादा के पोषण करने वाला हो, मर्यादा के खंडन का नहीं। आजकल के युवक युवतियों के साथ एक शब्द आता है, वो लोग प्रयोग करते हैं, हमने सामने वाले को कमिट किया है, हमारा कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट के चक्कर में, भावना के आवेग में बहकर, खास करके आज के युवक युवती एक दूसरे के साथ कई तरह के कमिटमेंट कर देते हैं, और वो कहते हैं महाराज आप लोग ही कहते हैं वचन निभाना चाहिए। एक बार केस मेरे पास आया ऐसा, इसलिए मैं थोड़ा सा भाष्य लिख रहा हूं। तो आप कहते हो कि कमिटमेंट किया है तो निभाना चाहिए, हमने कहा ध्यान रखो वही कमिटमेंट पूर्ण करने योग्य है जिससे हमारी मर्यादा की रक्षा होती हो, जिससे मर्यादा का खंडन होता हो, उसे आप चाहे कितने भी अच्छे से आप सम्मति दो, उस पर दृढ़ रहना उचित नहीं है। समझ गए? तो पहली बात मैंने जो आपसे कही, ऐसी घड़ी में जल्दी निर्णय मत लो, वचन मत दो, थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब देना। भावुकता में दोगे नुकसान उठाओगे, भावुकता में निर्णय लोगे दुखी रहोगे। और यदि कोई कमिटमेंट कर दिया है तो व्यक्ति की प्रामाणिकता का यही आधार है कि वो उसे निभाए। दूसरी बात क्या पूछी थी? हमारे साथ कोई जैसा व्यवहार करे उसके साथ हमें वैसा ही करना चाहिए, तीट फट टैट होना चाहिए। एक ने कहा महाराज जी हम पर कोई गुस्सा करे, हमारे साथ बदतमीजी करे, तो हमको भी तो तीट फट टैट करना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बेशक तीट फट टैट ही होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए, जैसे को तैसा ही होना चाहिए। तुम्हारे सवाल का भी उत्तर मैं ये दे रहा हूं, जैसे को तैसा ही होना चाहिए। महाराज क्या हो गया आज आपको, है ना? क्या हो गया, है ना? अब सुन लो भाई, मैं भावुकता में उत्तर नहीं दे रहा हूं, दिमाग से दे रहा हूं। समझ गए? मैंने उसे बोला देख भाई, जैसे को तैसे का मतलब क्या है? कोई तुम्हारे कपड़े फाड़े तो तुम उसके कपड़े फाड़ने को जोड़ोगे कि अपने कपड़े को बचाने में? बोलो, बचाने में। जैसे को तैसा का मतलब ये है, अगर कहीं आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए तुम पानी डालना चाहोगे कि पेट्रोल? पानी। अब बताओ, आग तो बिखराल लगी है, लोटा भर पानी डालोगे आग बुझेगी क्या? जितनी प्रचंड आग उतनी प्रचंड पानी, उतना ही अधिक पानी।
हल्की फुल्की चिंगारी को फूक मार दो, थोड़ी सी अग्नि हो तो लोटा भर दलदल डाल दो, और ज्यादा तो बाल्टी, और अगर लपटे और ज्वाला हो तो दमकल। ये है जैसे को तैसा, सामने वाला तुमसे जितना दुर्व्यवहार करे तुम उसके प्रति उतना पॉजिटिव और पोलाइट हो जाओ। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उस व्यक्ति का हृदय बदल जाएगा और वो तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए? पर ये प्रयोग सबके बीच मत करना, ये प्रयोग मुख्यतः अपने घर परिवार जिनके मध्य तुम रहते हो उनके बीच करना। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो धर्म के द्वारा संपादित की जाती है, और कुछ लोग व्यवहार नीति से संपन्न की जाती है, तो जैसी नीति की स्थिति हो वैसा काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज।